सब्सक्राइब करें हमें आपकी स्क्रीन पर दिए स्टार बटन को दबाकर और दबाएं इस बेल आइकन को जिससे आप पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। जीका वायरस से होने वाली बीमारी जितनी खतरनाक है उतनी ही आसानी से ये हमें प्रभावित भी कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटर 36 के आपके इस चैनल पे। आइए देखें और जानें सबसे पहले क्या है ये जीका वायरस। यह जीका वायरस फ्लाविविरिएट वायरस फैमिली में से है और खास बात यह है कि यह मच्छर जो है दिन में ही एक्टिव रहते हैं। कैसे हो सकते हैं हम जीका वायरस का शिकार? जीका वायरस एडीज प्रकार के मच्छर के काटने से बढ़ता और फैलता है। शारीरिक संबंध बनाने व खून चढ़ाने से भी इसके फैलने की संभावना रहती है। आखिर इसके क्या असर हो सकते हैं? शरीर पर लाल चकत्ते, वर्टिकली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, बच्चे के सिर की इम्प्रॉपर डेवलपमेंट भी हो सकती है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? इसके लक्षण डेंगू बुखार की तरह ही होते हैं। अधिकतर मामलों में तो लक्षण दिखाई भी नहीं देते। बुखार, लाल आंखें, सिर दर्द आदि इसके मुख्य लक्षण हैं। आखिर कैसे करें हम जीका वायरस का पहचान? रक्त, मूत्र या लार परीक्षण करा सकते हैं। इससे व्यक्ति में इस वायरस का आरएनए के होने का पता लगाया जा सकता है। कैसे बचे हम जीका वायरस से? सबसे पहली बात, मच्छरों से बचे। मच्छर भगाने वाले उपायों का पालन करें। शरीर को ढककर रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। पानी को ठहरने ना दें, क्योंकि जीका वायरस का मच्छर भी आम मच्छरों की तरह ठहरे हुए पानी में पनप सकता है। इलाज से रोकथाम बने। अब तक दर्जन भर लोग इसका शिकार हो चुके हैं। क्या आप भी इसका शिकार होना चाहते हैं? नहीं ना, तो इस संदेश को आगे पहुंचाएं और खुद की और दूसरों की मदद करें।